इस घटिया शहर को छोड़ देते हैं अभी। ना तुम खुश हो और ना ही मैं। हमारे पेरेंट्स कमीने हैं, तुम्हारे पास कार भी है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं जा रही हूँ, तुम आ रही हो? हाँ चलो। पिछले कुछ सालों में नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे कैटेगरी के मूवीज और सीरीज को प्रोवाइड किया है, पर उसमें से सबसे खास कुछ टीन सीरीज को भी प्रोवाइड किया है। सो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पांच बेस्ट हिंदी डब टीन सीरीज को जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसमें इमोशन के साथ साथ रोमांस भी होगा। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तैयार हो जाओ मजेदार टीन रोमांस के लिए। हमारी नंबर फिफ्थ की सीरीज नेबर है भाई। ये बात, ये साल 2020 में आई है, कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है देवी विश्व कुमार से, जो एक साउथ इंडियन परिवार में जन्मी होती है और अब वो अपने पेरेंट्स के साथ कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में रहती है। और साथ ही देवी के दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जिनका नाम एलेनोर और फेबुला रहता है। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स रहती है और साथ ही ये तीनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ाई करती है और उसी स्कूल में देवी का एक क्रश रहता है पैक्सटन, जिसके साथ वो रोमांस करने के लिए सपने देखती है। वहीं देवी का एक और चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है जिसका नाम बेन होता है, जो साथी तो है लेकिन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती। देवी और बेन में हमेशा पढ़ाई के अच्छे नंबर्स को लेकर एक अलग ही चैलेंज लगी रहती है। इस सीरीज में स्कूली बच्चों की मजेदार कहानी दिखाई गई है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। इसके टोटल 4 सीजन आ चुके हैं, जिसमें कुल 40 एपिसोड्स हैं। इसका एक एपिसोड ऑलमोस्ट 30 मिनट तक की है और ये सीरीज आपको अंत तक बांधे रखेगी। इस सीरीज को 7.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट कंटेंट के लिए, जिसका लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हमारी अगली सीरीज है द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है अलिसा और जेम्स नाम के दो टीनेजर्स की, और ये दोनों 17 साल के होते हैं। अलिसा एक दिन जेम्स के साथ निकल जाती है अपने पिता को ढूंढने के लिए। जब अलिसा छोटी सी बच्ची होती है तभी उसके पिता उसको घर पर छोड़कर चले जाते हैं। और जेम्स एक मनोरोगी होता है, यानी कि साइकोपैथ होता है, जो बचपन से ही जानवरों को मारने में उसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। शुरुआत में तो वो अलिसा को अपनी गर्लफ्रेंड इसलिए बनाता है ताकि वो उसे ले जाकर सुनसान जगह पर उसका शिकार कर सके। तो आखिर ऐसा क्या होता है जिससे एलेक्स की फीलिंग बदल जाती है, आपको जानने के लिए यह सीरीज देखनी होगी। यह एक इमोशन से भरी पड़ी रोमांटिक सीरीज है जो आपके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर सकता है, जिसके अब तक 2 सीजन आए हैं, जिसमें 16 एपिसोड्स हैं और इसका एक एपिसोड का लेंथ ओनली 20 मिनट तक की है, जिससे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। इस वेब सीरीज को 8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है और ये वेब सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट सीरीज 2020 में आई डैश एंड लिली। यह एक बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इसकी स्टोरी फोकस करती है दो जवान लड़का और लड़की के बारे में, जिसका नाम डैश और लिली रहता है। लिली को क्रिसमस बहुत ज्यादा पसंद होता है, पर इस साल उसके फैमिली मेंबर्स उसके घर पर नहीं होते हैं। इसलिए लिली के कुछ दोस्त और उसके भाई उसको एक आइडिया देते हैं कि वह एक किताब पर कुछ डेयर लिखकर एक लाइब्रेरी में छोड़ दे। जब लिली उस किताब में कुछ डेयर लिखकर छोड़ देती है, तभी वो किताब डैश नाम के एक लड़के को मिलता है और वह उस सभी डेयर्स को कंप्लीट करने में लग जाता है। और इसी कोशिश में इसको कौन कौन से मुश्किलों का सामना फेस करना पड़ता है, यह सब आप इस सीरीज के अंदर देखिए। इसका अब तक एक ही सीजन आया है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिसमें एक एपिसोड का लेंथ ओनली 25 मिनट्स तक की है। इस सीरीज को 7.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है और आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज की ओर, जो 2022 में आई द मिडनाइट क्लब। यह एक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है। इसकी स्टोरी की शुरुआत में हमें देखने को मिलती है इलोनका नाम की एक लड़की, जो कि एक कैंसर पेशेंट रहती है और अब उसको पता है कि उसको जीने के लिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो अपने आप का ख्याल रखने के लिए एक ट्रीटमेंट सेंटर ढूंढती है। पर उस सेंटर पर जाने के बाद उसको उसके जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और अब वो उस ट्रीटमेंट सेंटर में जिन लोगों से मिली होती है वो सब इसी की तरह बीमार होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो लोग रात में एक जगह पर सभी साथ में मिलते हैं और वो लोग एक क्लब चलाते हैं जिसका नाम रहता है द मिडनाइट क्लब, जिसको वो पार्टी की तरह चलाते हैं। और साथ ही वो लोग मिलकर हॉरर स्टोरी को भी सुनते हैं। तो आखिर में ऐसा क्या होता है जिसे वो लोग हॉरर स्टोरी सुनते हैं और सुनाते हैं, आपको जानने के लिए यह वेब सीरीज देखनी होगी। और साथ ही में आपको बहुत ज्यादा कमाल का हॉरर एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अब तक एक ही सीजन आया है, जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं और इसके एक एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 50-55 मिनट तक की है। इस सीरीज को 6.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है और ये वेब सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। सो गाइस, फाइनली हमारी नंबर 1 की वेब सीरीज है इलाइट, जो कि 2018 में ही रिलीज हुई थी। यह एक थ्रिलर ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हमें 3 टीनेजर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो स्पेन के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये 3 टीनेजर्स और वहाँ पर पढ़ रहे कुछ रईस स्टूडेंट के बीच अचानक से सामना हो जाता है और आगे जाकर एक मर्डर भी हो जाता है। तो आखिर में ऐसा क्या होता है उनके साथ, आपको जानने के लिए यह वेब सीरीज देखनी होगी। और साथ में आपको इस सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसके अब तक 6 सीजन आ चुके हैं, जिसमें एक एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 50 मिनट तक की है। इस सीरीज को 7.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है और ये वेब सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। सो गाइस, ये हमारी लिस्ट की टॉप 5 बेस्ट टीन सीरीज थी, जिसे आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।